एक साबुन की घड़ी, एक ओरियो कुकी साबुन, एक लिपस्टिक के आकार का साबुन और एलओएल डॉल का साबुन भी। आम चीजें साबुन में बदल जाएंगी हमारी ट्रूम ट्रूम लैब में। देखिए मजेदार सोप क्राफ्ट्स हमारी नई वीडियो में। प्रोफेसर बॉटनी की साबुन की लैब की जांच पड़ताल होने लगी है। इंस्पेक्टर बीकर देखने आए हैं कि सोप फंड का पैसा कहां खर्च होता है। बोर्ड लैब को बंद करना चाहता है पर बॉटनी थोड़ा समय और मांगती है। सही में इंस्पेक्टर अपनी घड़ी उतारो। बॉटनी एक कमाल का प्रयोग करेगी। काश ये रोलेक्स की घड़ी इंश्योर्ड हो। बॉटनी अपनी कला दिखाती है। इंस्पेक्टर इस घड़ी को देखो, ये एक सुंदर सोप है, कभी ना रुकने वाला। ये घड़ी के आकार का प्लास्टिक का सांचा एक डिब्बे में डालें, जिससे ये काम आसान हो जाए। उसमें रबिंग अल्कोहल डालें और पिघला हुआ सोप बेस डायल में डालें। रबिंग अल्कोहल की एक और परत लगाएं और उस पर एक डायल के प्रिंट वाला पानी में घुलने वाला पेपर डालें। पिघला हुआ सोप बेस, मेकअप वाली चमकीली और काला मेकअप पेंट भी। इसे हिलाएं और रबिंग अल्कोहल डालें। सख्त हुए डायल पर अल्कोहल को छिड़के एक पाइप से सिल्वर सोप बेस को घड़ी के ऊपर डालें। एक स्ट्रैप बनाएं पारदर्शी सोप बेस को पिघलाकर। इसमें ग्रेप सीड ऑयल डालें और काला मेकअप पिगमेंट भी डालें। साबुन की सख्त परतों को उतारें और उस पर अल्कोहल छिड़कें और उसमें काला सोप बेस डालें और एक अल्कोहल की परत भी। साबुन को सूखने पर सांचे से निकाल लें। यहाँ पर किसी चीज से इंस्पेक्टर खुश नहीं है पर बॉटनी उसको इस मास्टरपीस को काटने को कहती है। इसमें मजेदार बात इस साबुन का मैकेनिज्म है। इंस्पेक्टर घड़ी काटने के लिए उत्सुक है। साबुन से बने मिनट्स और सेकंड्स को काटना कितना मजेदार है। ये खत्म हुआ पर हमारे सोप एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे। क्या ओरियो से भी साबुन बना सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप हमारे प्रोफेसर की सोप मशीन इस्तेमाल करें तो। एक ओरियो अंदर डालें और मशीन चला दें। पॉलीमर क्ले से गोला बनाएं। इस पर ओरियो के बिस्किट को छाप लें। किनारों को मोड़ दें। कुकी को निकालें और क्ले को निर्देश अनुसार बेक करें। कटे हुए सोप बेस को माइक्रोवेव में पिघलाएं। पानी में घुलने वाले एवोकाडो ऑयल और कॉस्मेटिक कोको पाउडर डालें। मिल्क चॉकलेट परफ्यूम और ब्राउन सोप कलरिंग। क्ले के सांचे पर रबिंग अल्कोहल को छिड़के और साबुन का मिश्रण डाल दें। ऊपर और रबिंग अल्कोहल डालें ताकि बुलबुले हट जाएं। साबुन के सख्त होने पर इसे काट लें। फिलिंग के लिए साबुन बनाएं। एवोकाडो ऑयल पिघले हुए सोप बेस में डालें। कुकी सोप पर अल्कोहल छिड़के और सफेद परत डालें। सख्त हुए साबुन को सांचे से निकालें। इसी तरह से दूसरी कुकी बनाएं। सख्त टुकड़े को चाकू से बराबर करें। किनारों के ऊपर की फिलिंग काट लें और उसे कुकी से छोटा बनाएं। किनारों को साफ करें। दूसरी कुकी की फिलिंग और अंदर का भाग छीलें। इस पर अल्कोहल छिड़कें और दोनों आधे हिस्सों को पिघले हुए सोप बेस से जोड़ें। एक नया ओरियो बेस निकलता है सोप मशीन से। क्या ये सच में साबुन है? ये असली कुकी से भी अच्छा दिख रहा है। इंस्पेक्टर बीकर साबुन को चेक करने के लिए काटते हैं। काटने पर इसका कुछ भी चूरा नहीं निकला और इसकी फिलिंग बहुत असली जैसी लग रही है। इंस्पेक्टर का ध्यान इसी में लग जाता है। ये साबुन बहुत ही आकर्षक है पर आप इंस्पेक्शन को नहीं रोक सकते। प्रोफेसर बॉटनी एक बिना बालों की डॉल पर प्रयोग कर रही है। इसने अपने सारे बाल खो दिए। मैं इसे तुम्हारे देखते देखते छोड़ दूंगी। डॉल ने अपना दिमाग और सिर खो दिया पर ये विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। शांत हो जाओ इंस्पेक्टर, इसका सिर बिल्कुल सुरक्षित है पर उसका अब एक स्टाइलिश हेयरडू होगा
बिना बालों वाली बार्बी का सिर निकालें, उसे स्ट्रॉ पर ग्लू से लगाएं, सिर पर वैसलीन लगाएं और उस पर 1x8 इंच की सिलिकॉन की परत लगाएं। उसे 3 घंटे तक सूखने दें। सख्त टुकड़े को सिर से निकाल लें। पिसे हुए साबुन के बेस को माइक्रोवेव में पिघलाएं। ग्रेप सीड ऑयल, लैवेंडर ऑयल और संतरी कलरिंग डालें। सिलिकॉन के सिर पर पेपर क्लिप को लगाएं। अंदर की तरफ रबिंग अल्कोहल को छिड़कें। पाइप से साबुन डालें। जब ये सूख जाए तो साबुन के सांचे निकाल लें। पिघले हुए सोप बेस में गुलाबी कलरिंग डालें। इससे होठों को रंगें और कलरिंग के निशान लगाएं। एक्रेलिक पेंट से आंखें और पलके बनाएं। एक लूफा खोलें और आधा काट लें। इसे साटन रिबन से सिल दें। सिर के ऊपर का हिस्सा छीले और अल्कोहल छिड़के। पिघला सोप बेस लगाएं, लूफा लगा दें और लूफा में से सिर को गांठ बांध दें। एक डिस्को स्टाइल साबुन का हेयरडू। इंस्पेक्टर इसे भी काटना चाहते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है बीकर? ये नहीं हो सकता। इसकी खूबसूरती और खुशबू का आनंद लो और इसे परखना बहुत ही आसान है। बस अपने हाथ इससे धो लो। प्रोफेसर बॉटनी अपने प्रयोग को जारी रखती है। चलो एक साधारण साबुन और एलओएल साबुन को जोड़ें और हमें मिलेगा एक कमाल का 3D साबुन। एक क्ले को घुमाकर मोटी परत बनाएं। एलओएल का छापा लगाएं। डंडी से इसका आकार बराबर करें। छापे के इर्द गिर्द एक ओवल बनाएं और प्लास्टिक की पट्टी लगाकर 2 हिस्से करें। पारदर्शी सोप बेस को पिघलाएं। इसमें चमकीली और कलरिंग मिलाएं। सांचे पर अल्कोहल को छिड़कें। एक पाइप से साबुन को डॉल के बालों में डालें। सोप बेस, मेकअप वाली चमकीली और कलरिंग को मिलाएं और डॉल के हिस्सों में भरें। जूते, सिर, बाजू और ड्रेस। सफेद सोप बेस को काटें और ऊपर की परत के लिए पिघलाएं। एवोकाडो और पेपरमिंट ऑयल डालें। टूथपिक से इस पर निशान बनाएं और अल्कोहल छिड़कें। साबुन की ऊपर की परत डालें। सख्त हुए साबुन को सांचे से निकालें। टूथपिक से निशान बनाएं। ओवल के किनारों को काट कर बराबर करें। एलओएल डॉल के चेहरे पर एक्रेलिक पेंट लगाएं। इस साबुन की एलओएल को पूरे नंबर मिलने चाहिए। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है। चलो देखते हैं कि ये कितनी नर्म है। इस साबुन की लंबी पट्टियां काटने में कितनी शांति मिल रही है। और चमचमाती डॉल की परतें तो बहुत लाजवाब है। इंस्पेक्टर जांच से संतुष्ट है। हमारी सुपर सोप प्रोजेक्ट पर खोज जारी रहेगी। हम कामना करते हैं आप इसमें सफल रहें। प्रोफेसर बॉटनी चाय पी रही हैं और उनके अच्छे स्टूडेंट्स कपकेक लाए हैं। इसे खाइए मेंटर। सोप बेस को 1 मिनट तक माइक्रोवेव करें। इसमें नीला और हरा खाने लायक रंग घोलें। इसे एक सिलिकॉन के कप के सांचे में डालें और उसे तैयार होने दें। सोप बेस में गुलाबी कलरिंग डालें और उसे हार्ट के आकार के सांचे में डाल दें। गुलाबी दिल के तैयार होने पर इसे घिसें। थोड़ा सफेद बेस काटें और माइक्रोवेव करें। घुले हुए जेलेटिन के 2 चम्मच डालें और इसे मिक्सर में घुमाएं। अब मिक्सर को पेस्ट्री बैग में डालें।
तैयार कपकेक पर रबिंग अल्कोहल स्प्रे करें। अब सोप आइसिंग निकाल कर कपकेक पर डाल दें। उसे दिल और गुलाबी शेविंग से सजाएं। प्रोफेसर बॉटनी आइसिंग चखने के लिए रुक नहीं पा रही, पर कपकेक तो काफी सख्त बना है, ये तो धोखा हो गया। चलो अपने सोप कपकेक को काटें। अंदर की परत की खिंचावट और कोमलता कितनी अच्छी है। बढ़िया काम बबल, तुम्हारे साबुन के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से तुम्हें A+ मिलता है। अब समय है क्लास में साबुन की कलाकृति दिखाने का। प्रोफेसर बॉटनी तरक्की पर है, उन्हें नए फॉर्मूला मिलते रहते हैं, उन्हें हर जगह से प्रेरणा मिल रही है। पर मिस बबल को इसे सीखने में मजा नहीं आ रहा, वह अपने आने वाले डेट्स के बारे में सोच रही है। मुझे मेरी लिपस्टिक ठीक करने दो। रुको सुंदरी, चलो इस लिपस्टिक को विज्ञान के तरीके से समझे। ये साबुन का एक बढ़िया सांचा है। एक प्लास्टिक कप के तले पर लिपस्टिक के आकार का पेन हॉट ग्लू से लगाएं। कप को तरल सिलिकॉन से ऊपर तक भरें और 8 घंटों तक सूखने के लिए रख दें। कप को काटें, उसे आसपास के सिलिकॉन से निकालें। लिपस्टिक को निकालें, कुछ सोप बेस को घिसें, उसे माइक्रोवेव में पिघलने के लिए रख दें। उसमें एक कॉस्मेटिक पिगमेंट डालें, साथ ही गुलाबी रंग भी। सिलिकॉन के सांचे में रबिंग अल्कोहल को छिड़कें। गुलाबी साबुन को सांचे के 2/3 हिस्से में डालें। जमी हुई परत पर रबिंग अल्कोहल को स्प्रे करें। पिघले हुए सोप बेस में गाढ़ा कॉस्मेटिक पिगमेंट मिलाएं। रबिंग अल्कोहल डालें और बाकी के सांचे को भी इसी तरह से भरें। तैयार लिपस्टिक को निकालें। ट्यूब से बने शेल को चमचमाते संतरी रंग से रंगें। पूरी लैब साबुन के बुलबुले से भर गई। इसका मतलब तो ये कि प्रोफेसर बॉटनी का प्रयोग कामयाब रहा। ये रहा आज के युग का नया साबुन, साबुन से बनी लिपस्टिक। चलो इसे ध्यान से देखें। साबुन के ज्यादा छोटे टुकड़ों के लिए हमें लिपस्टिक को टुकड़ों में काटना होगा। चिंता मत करो, इसे इसका नुकसान नहीं होगा। मजेदार, आप लिपस्टिक और उसकी ट्यूब को एक साथ काट सकते हैं। हम एक लाजवाब खोज करने वाले हैं। हमारे आदरणीय वैज्ञानिकों ने अभी तक क्या खोजा है? फोबी लिक्विड सोपी सीरियल। प्रोफेसर बॉटनी दुनिया को अपनी कलाकृति दिखाती है। इंद्रधनुष से बना तरल साबुन। एक तरल सोप बेस में एसेंशियल ऑयल डालें और कॉस्मेटिक पिगमेंट भी डालें। कुछ मेकअप की चमकीली डालें और मिलाएं और इसे खाली बोतल के अंदर पंप डिस्पेंसर से डालें। पीली और नीली परत भी बनाएं। बोतल को सितारों से सजाएं। कितनी सुंदर, मिस बबल इसे इसी समय इस्तेमाल करना चाहती है। शांत रहो बबल, कॉस्मेटिक साइंस इसका साथ देगा। ये साबुन नहीं टूटेगा, ये इंद्रधनुष के रंगों की तरह चमक रहा है और ये बहुत कोमल है। क्या आपको हमारे साबुन के प्रयोग अच्छे लगे? तो कमेंट्स में लिखें आपको कौन सा साबुन पसंद आया। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप नई साबुन की रेसिपीज ट्रूम ट्रूम से मिस ना कर दें।